उदाहरण सात, एक समांतर श्रेणी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। हल, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है, तीसरा पद प्रश्न अनुसार तीसरा पद हमारे पास 12 दिया है, या हम A3 बराबर 12 लिख सकते हैं, या हम सूत्र लगाएंगे तो A धन N ऋण 1 में N के स्थान पे हम 3 ऋण 1 और गुणा D बराबर 12, या ए धन 3 ऋण 1 2 डी बराबर 12। तो ए धन 2 डी बराबर 12 को हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और अंतिम पद 106 है, तो 50वां पद हमारा बराबर 106 होगा, या हम इसे A50 बराबर 106 लिख सकते हैं। अब कहीं हम सूत्र लिखेंगे An का, तो A धन N के स्थान पे हम 50 लिखेंगे, 50 ऋण 1 कोष्टक बंद, D बराबर 106। कोष्टक को हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा A धन 50 में से 1 गया तो 49, डी बराबर 106। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर हमारा जो समीकरण 2 है वह यह है A धन 49, डी बराबर 106, और इसमें से हम दूसरे समीकरण से पहला समीकरण घटा रहे हैं तो A धन 2D बराबर 12। अब इसे हम घटाने के लिए दूसरे समीकरण का चिन्ह बदले जाएंगे, तो ये धन का ऋण हुआ और यहाँ पे भी ऋण होगा, तो A में से ऋण A को घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। उसी तरह से 49D में से 2D को घटाएंगे, 49D ऋण 2D बराबर 47, डी बराबर 106 में से 12 को घटाएंगे तो हमें 94 प्राप्त होगा, या डी बराबर हम 94/47 लिखेंगे। इसी तरह से डी का मान हमें प्राप्त होगा, 47 × 94 होता है तो डी का मान हमें 2 प्राप्त होता है। ये हम इसे समीकरण 3 ले लेते हैं। आगे देखते हैं अगले पृष्ठ पर, हमारे पास सर्वांतर D बराबर 2 प्राप्त हुआ था जिसे हमने समीकरण 3 नाम दिया था। अब समीकरण 3 से D का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा समीकरण 1 है A धन 2D बराबर 12, यह हमारा समीकरण 1 है। इस समीकरण 1 में हम D बराबर 2 रखेंगे समीकरण 3 से, तो यहाँ A धन 2, D के स्थान पर हम 2 लिखेंगे, इसे कोष्टक में लिखेंगे, बराबर 12, या A धन 2×2 = 4 बराबर 12, या A बराबर 12 ऋण 4, या A बराबर 8, 12 में से 4 को घटाए तो 8 मिला। ये हम समीकरण, इसको समीकरण 4 दे देते हैं नाम। अब समांतर श्रेणी का 29वां पद हमें ज्ञात करना है, तो हम लिख लेते हैं समांतर श्रेणी का
29वां पद बराबर हमारे पास था ए धन 29वां पद के लिए हम सूत्र लगाएंगे ए धन एन ऋण एक गुणा डी, तो एन के स्थान पर हम 29 लिखेंगे क्योंकि हमें 29वें पद को ज्ञात करना है, तो ए धन एन की जगह स्थान पे 29 ऋण एक और डी का मान डी के स्थान पे हम डी लिख लेते हैं बराबर ए का मान हमने 8 निकाला है तो ए के स्थान पर 8 रखे, 29 में से एक को घटाए तो 28 और इसे हम कोष्टक में लिख लेते हैं, और डी का मान हमें प्राप्त हुआ था 2 इसे कोष्टक में लिख लेते हैं बराबर 8 धन 28 गुणा 2 बराबर 56 बराबर 8 धन 56 बराबर 64। इसलिए समांतर श्रेणी का 29वां पद 64 है, यह इस उदाहरण का हल होगा, तो हमें प्राप्त होता है 29वां पद 64। यह इस उदाहरण का हल होगा। करके देखें, पहला, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इस श्रेणी का 21वां पद ज्ञात कीजिए। दूसरा, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 10 और सार्वंतर ऋण 3 है। 11वां पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणियां कई तरह के सवाल हल करने में मदद कर सकती है। आइए इसे भी कुछ उदाहरणों से समझें।